सेम और आलू का इंस्टेंट अचार, ये झटपट से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पूरियों, पराठों, रोटी या चावल पुलाव के साथ। तो सेम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले 11 से 12 सेम के पीसेस को धो ली अच्छे से और फिर उबलने के लिए रख दी 8 से 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा नमक डाल करके पका लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि ये एकदम पिलपिला हो जाए। और इसके बाद एक कपड़े पर या छन्नी पर बिछा देना है ताकि पानी निकल आए। साथ में उबाल ली 2 मध्यम साइज के आलूओं को और उनको छील के रख दी। सेम को इस तरह से बड़ा बड़ा पीसेस में काट ली और जो रेशे हैं उनको साइड में निकाल दी। आप इन रेशों को उबलने से पहले सेम से निकाल सकते हैं। साथ ही उबले हुए आलूओं को भी इस तरह से मीडियम साइज के क्यूब्स में काट ली और दोनों को एक साथ एक कटोरी में डाल दी। अब डालूंगी इनमें मसाले। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई राई या मस्टर्ड पाउडर, मैंने यहाँ पे काला और सफेद दोनों मिला करके लिया है, आप केवल सफेद मस्टर्ड यूज कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच मंगरेल या कलौंजी, 3/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस, आप चाहे तो अमचूर पाउडर या फिर आंवले का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, 3 से 4 बड़ी चम्मच सरसों का तेल और लगभग 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिला ली, धूप में 2 घंटों के लिए रख दी हल्का सा ढक करके। 2 से 3 घंटों बाद अचार खाने के लिए एकदम तैयार है। आप इन्हें इंस्टेंटली बनाकर भी खा सकते हैं बिना धूप में रखे हुए। सेम और आलू का इंस्टेंट अचार एकदम तैयार है बनकर। 2 से 3 दिन के लिए ठंड के मौसम में आप बाहर ही रख सकते हैं और खा सकते हैं, और अगर गर्मी हो तो 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए उत्तमम सत्वम चैनल को।